लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 29 इंडिया। मैं सानिया जैन, आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ खबरों पर। राजधानी दिल्ली में मौसम की मार लगातार जारी है। जहरीली हवा का कहर दिल्ली वालों पर बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच आज एक बार फिर राजधानी में ऑड इवन की वापसी हो गई है। आज ऑड इवन का पहला दिन है। 4 तारीख होने की वजह से आज दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ 2, 4, 6, 8, 0 वाली गाड़ियां दौड़ेंगी। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद ने एक बार फिर अपने बयान से लोगों को उनका मजाक बनाने का मौका दे दिया है। ट्रेन हादसे पर पाकिस्तानी रेल मंत्री बोले, जब आग लगी नाश्ते में और जब नाश्ता फटा उससे उनका सिलेंडर और चूल्हा दोनों फट गया। इस वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों को खूब हंसाया है। नए साल से सिंगल यूज प्लास्टिक भारतीय जहाजों में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इन उत्पादों में आइसक्रीम कंटेनर, हॉट डिश कप, माइक्रोवेव डिशेस और चिप्स के थैले आदि शामिल हैं। नौवहन महानिदेशालय ने भारत को एकल इस्तेमाल करने वाले प्लास्टिक उत्पादों से मुक्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अमल करते हुए लोगों के व्यापक हित में यह निर्णय लिया है। एक और जहां भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर युद्धाभ्यास कर देश के दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास करा रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय वायुसेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्वच्छ भारत का झंडा लहराकर गांधी जयंती मनाई। वायुसेना ने यह कारनामा महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन के मौके पर किया। इस दौरान कई तरह के सांस्कृतिक आयोजनों के बीच भारतीय वायुसेना ने इस अनोखे अंदाज में स्वच्छ भारत अभियान का संदेश दिया। फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड्स की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ स्टीव ईस्टरब्रुक को कर्मचारी के साथ संबंध रखने पर कंपनी की नीति के उल्लंघन के आरोप में निष्कासित कर दिया गया है। इस बीच कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि मैकडोनल्ड्स के अमेरिका श्रृंखला के अध्यक्ष क्रिश कैम्प जिंसी को कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें निदेशक मंडल में भी चुना गया है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस मामले में 17 नवंबर तक फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। इसी दिन प्रधान न्यायाधीश गोगोई सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2014 के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय 14 अपीलों पर सुनवाई हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने सोशल मीडिया संदेशों और पोस्टरों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। निदेशाज्ञा 28 दिसंबर 2019 तक लागू रहेगी। पेट्रोल और डीजल के ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर है। इस सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। दिल्ली समेत देश के कई महानगरों में आज पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 9 पैसे गिरकर 72.65 रुपए रह गई है। वहीं डीजल 5 पैसे की गिरावट के साथ 65.75 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है। भारत में कुछ चिन्हित पत्रकारों के व्हाट्सएप के हैक होने की खबर ने देश में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इस मामले में मोदी सरकार पर निशाना साधा है और लोगों की जासूसी करने का आरोप लगाया है। इजरायली कंपनी ने अपने जवाब में कहा है कि उनकी टेक्नोलॉजी सिर्फ सरकार और उनकी एजेंसियों के लिए काम करती है। नासा चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर को खोजने और उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि अभी तक विक्रम लैंडर का कोई डेटा नहीं मिला है। हालांकि इसरो ने कहा है कि चंद्र सतह पर अध्ययन करने के लिए इसका ऑर्बिटर बेहतर काम कर रहा है। यही नहीं, इसरो को यह भी उम्मीद है कि जैसे ही चांद सतह पर दिन होगी विक्रम लैंडर से एक बार फिर संपर्क करने का प्रयास तेज हो जाएगा। तिहाड़ जेल प्रशासन से मिले नोटिस से हड़बड़ाए निर्भया कांड के 4 मुजरिमों में से 3 आज सुप्रीम कोर्ट की दहरी पर पहुंच सकते हैं। ये तीनों मुजरिम पवन कुमार गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अध्यक्ष कुमार सिंह हैं। उल्लेखनीय है कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने 28-29 अक्टूबर को चौथे मुजरिम मुकेश को आगे की रणनीति का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है को नोटिस दिया था। नोटिस में कहा था कि अगर वह चाहें तो राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। उनके पास इस कदम के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं। देश विदेश की खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।